आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसकी भिड़ंत रविवार को पाकिस्तान से होगी। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 264 रनों पर ढेर कर दिया। 265 रनों के इस लक्ष्य को भारत ने एक विकेट खोकर बहुत आसानी से पूरा कर लिया। भारत की तरफ से शिखर धवन के 46, मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा के नाबाद 123 और विराट कोहली के नाबाद 96 रनों की बेहतरीन पारियों की मदद से रोहित और धवन की जोड़ी ने एक बेहतरीन शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 14.4 ओवरों में 87 रन जोड़े। भारत की तरफ से जाधव, बुमराह और भुवनेश्वर की कसी हुई गेंदबाजी से जीत अपने नाम की। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए रविवार का दिन काफी रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। वैसे पाकिस्तान का सफर भारत के हाथों हार कर शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने गजब की रफ्तार पकड़ी और सबको चौंका दिया और शानदार प्रदर्शन करके अपना स्थान फाइनल में पक्का किया। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 128 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने सिर्फ 52 मुकाबले जीते हैं, जबकि उसे 72 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 4 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला था। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। अब देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये खिताब किसके नाम होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।